आपको मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बहुत ही भयानक और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ साल 2003 में हुई थी और खुद उन्होंने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। दरअसल मेरे चाचा जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो पिछले कई सालों से ट्रक चला रहे हैं। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से मेरे चाचा जी ने सड़क पर कई बहुत ही भयानक हादसे भी देखे हैं, लेकिन एक हादसा उनके साथ ऐसा भी हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उस हादसे को मेरे चाचा जी आज तक भूल नहीं पाए हैं। खैर, अब मैं आपको वो भयानक घटना बताता हूँ जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी। तो ये बात साल 2003 की है। तब मेरे चाचा जी ट्रक से किसी सामान की डिलीवरी करने हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। उस समय मेरे चाचा जी को ट्रक चलाते हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था, इसलिए तब उन्हें ट्रक ड्राइविंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो साल 2003 में एक बार मेरे चाचा जी अपना ट्रक लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए निकले थे। चाचा जी रात के समय अपना ट्रक लेकर चले थे क्योंकि बड़े ट्रकों को रात के समय ही सड़क पर निकलने की परमिशन होती है। तो उस रात मेरे चाचा जी अपना ट्रक लेकर हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे थे। फिर तभी रास्ते में उनको ट्रक चलाते हुए बहुत तेज नींद आने लगी। चाचा जी पिछली कई रातों से ट्रक चला रहे थे, जिस वजह से उस रात उन्हें ट्रक चलाते हुए बहुत जल्दी नींद आने लगी थी। किसी भी ट्रक ड्राइवर के लिए ट्रक चलाते समय नींद आना एक बहुत ही खतरनाक बात होती है, क्योंकि अगर ट्रक चलाते समय ड्राइवर को नींद आ जाए तो इससे ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है और ट्रक ड्राइवर की जान भी जा सकती है। ये बात मेरे चाचा जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने किसी सही जगह ट्रक को रोक कर थोड़ी देर आराम करने का सोचा था। फिर ट्रक चलाते हुए चाचा जी को हाईवे के किनारे एक खाली जगह दिखाई दी। वो जगह काफ़ी बड़ी थी और उस जगह के चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। फिर चाचा जी ने कुछ देर आराम करने के लिए उसी खाली जगह पर अपना ट्रक खड़ा कर दिया। जब चाचा जी ने उस जगह पर अपना ट्रक रोका था, उस समय रात के 3 बज रहे थे। उस समय तक चाचा जी हिमाचल प्रदेश के सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुँच पाए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो 1-1.5 घंटे सोने के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश की तरफ चल देंगे। फिर उस खाली जगह पर ट्रक खड़ा करने के बाद चाचा जी ने ट्रक के दोनों दरवाजों को अंदर से लॉक कर लिया और फिर वो सोने के लिए अपनी सीट पर ही लेट गए। सोने से पहले चाचा जी ने अपने ट्रक की पार्किंग लाइट जला दी थी ताकि अगर कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर उस जगह पर अपना ट्रक खड़ा करने की सोचे तो उसे चाचा जी का ट्रक दिखाई पड़ जाए। खैर, फिर इसके बाद चाचा जी अपनी सीट पर आराम से सो गए। चाचा जी को सोए हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि तभी अचानक एक आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ ऊपर से नीचे गिरी हो। जिस जगह पर चाचा जी ने अपना ट्रक खड़ा किया था वो जगह इंसानी आबादी से काफ़ी दूर थी और उस जगह पर कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर बहुत अंधेरा भी था। ऐसी सुनसान जगह पर उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी काफ़ी हैरान रह गए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर इस जगह पर ये आवाज़ कहाँ से आई होगी। फिर उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी अपनी सीट पर उठकर बैठ गए और ट्रक से बाहर देखने लगे। वो देखना चाहते थे कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आई है, लेकिन उस जगह पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद चाचा जी दोबारा से सोने के लिए अपनी सीट पर ही लेट गए। उस समय उन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही चाचा जी सोने के लिए दोबारा अपनी सीट पर लेटे, वैसे ही उन्हें ट्रक के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही भारी भरकम जीव चलते हुए चाचा जी के ट्रक के नज़दीक आ रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी डर गए थे। वो सोचने लगे थे कि शायद कोई चोर उचक्का उनको लूटने की नीयत से उनके ट्रक के नज़दीक आ रहा है। फिर चाचा जी ने अपने पास रखी टॉर्च जला ली और टॉर्च की रोशनी में ही वो ट्रक के बाहर देखने लगे। फिर जैसे ही चाचा जी ने ट्रक के बाहर टॉर्च से रोशनी की, वैसे ही उन्होंने देखा कि उनके ट्रक से कुछ दूर आगे एक बहुत ही भयानक जीव खड़ा है। वो जीव किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उस जीव का चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल रंग की थी। साथ ही उस जीव के दो बड़े बड़े पंख भी निकले हुए थे। वो जीव बहुत लंबा और बहुत ही भारी भरकम लग रहा था। फिर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जीव बहुत जोर से चीखता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। उस जीव को देखकर मेरे चाचा जी बहुत ज़्यादा डर गए थे।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयानक जीव